हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे सारे ही पाम प्लांट का कलेक्शन है। और आज मैं आपको अपनी मिस्टेक बताऊँगी जो मैंने गलती की थी, और गलती बहुत ही प्यारी गलती हुई मेरे साथ। ये है दोस्तों वो प्लांट जो मैं जीजी प्लांट समझ के लाई थी। और मैं जब इसको ले रही थी तो मैंने सोचा कि ये जीजी प्लांट है, और मैं इसको देख के बहुत खुश हुई कि मुझे जीजी प्लांट मिल गया। लेकिन दोस्तों ये जीजी प्लांट नहीं है, ये दोस्तों इसको जामिया पुरफ्रेशिया बोलते हैं और इसको कार्डबोर्ड पाम भी बोलते हैं। तो जीजी प्लांट की आपको स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी, तो आप उसको देखो और इसको देखो, तो आप थोड़े कंफ्यूज तो होंगे। मैं तो पूरी ही कंफ्यूज हो गई थी, तो मैं सोचे आप लोग से भी शेयर करूं कि इस ये जो प्लांट है ये बहुत ही डिफरेंट प्लांट है, और जीजी बहुत ही डिफरेंट, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट प्लांट हैं। जीजी इंडोर प्लांट है, ये आउटडोर प्लांट है। दोस्तों इसके जो प्लांट के पत्ते हैं बहुत ही टफ एंड कार्डबोर्ड के जैसे हार्ड लगते हैं महसूस करने में, बिल्कुल एकदम से बहुत ही हार्डी हार्डी सा दिखता है। तो ये जो पाम है ये बहुत ही प्यारा पाम है दोस्तों, इसकी बहुत ही कम केयर होती है। और जो मेरी से गलती हुई है, आज मैं उस गलती को बहुत ही अच्छे से महसूस कर रही हूँ और बहुत ही खुश हो रही हूँ कि थैंक गॉड ये प्लांट मेरे पास आया। क्योंकि दोस्तों इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं होती है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप सामने, इसका क्रोन है जो कि ऊपर ही रहता है, आपको इसको मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं दबानी है। तो आप जब भी इस प्लांट को लाएं, रिपोर्ट करें, तो आपको इसके क्रोन को ऊपर रखना है और इसके रूट को मिट्टी में, और पॉट का सिलेक्शन आपको थोड़ा बड़ा ही करना है। 12 इंच से आप बड़ा ही पॉट लें, तो जिससे कि, क्योंकि दोस्तों ये आपके घर में 20 साल रहेगा, आपका ये गारंटी है कि आप एक बार लाओगे तो ये आपके यहाँ 20 साल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाया है और सही लोकेशन पर रखेंगे तो इस प्लांट को कभी भी कुछ भी नहीं होता है। तो आप इसकी मिट्टी जब भी बनाएं, वेल्ड्रेन सॉइल बनाएं। वेल्ड्रेन सॉइल में एक हिस्सा आपको मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा रेत लेनी है, और एक बार ही इसको कंपोस्ट लेनी है। थोड़े सा फंजीसाइड डाल के आपको ध्यान रखना है कि आपके पॉट का होल खुला होना चाहिए, होल होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि पानी डाले और आपका पानी पॉट से नीचे चला जाए। दोस्तों इसको पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, आप पानी इसको 2-3 दिन में एक बार ही दें तो ये बहुत ही अच्छे से, आपको इसको पर डे पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आपने इसको पर डे पानी दिया तो ये रूट रॉट हो जाएगा, इसकी जड़ें गल जाएंगी और इसका क्रोन है वो भी ख़राब हो जाता है। आपने ये पत्तियां देख रहे हैं, इसमें 5 पत्तियां एक साथ आई हैं, और दोस्तों ये साल में एक बार ही ग्रोथ करता है। बिना ग्रोथ के आपके सालों साल रहता है, पर आपका ये मार्च और फरवरी मार्च में एक बार ही अपनी पत्तियों को निकालता है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को लगाएं। और लोकेशन की बात है तो दोस्तों आपको इसको ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे इसको 2-3 घंटे की सनलाइट मिले। तो मैं तो इसको दोस्तों अपने अमरूद के पेड़ के नीचे ही इसको रखा हुआ है, और तो इसको थोड़ी सेमी शेड जगह भी चल जाता है, क्योंकि आप इसको 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अपने इसको ऊपर, ये देखिए ऊपर पेड़ है अमरूद का और नीचे मैं इस प्लांट को रखे हूँ, तो आपको इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट सनलाइट मिले और 2-3 घंटे की सनलाइट मिले। एकदम से आपको इसको इंडोर भी बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ तो इसको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, इसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप साल में एक बार इसको गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट दे देते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा और बहुत ही अच्छा चलता है दोस्तों ये प्लांट।
तो इसको फर्टिलाइज़र बहुत ही कम देना है। और दोस्तों इसमें पेस्ट का बात करते हैं तो इसमें कोई भी पेस्ट इसमें अभी तक नहीं लगा है और इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। फिर भी अगर चाहो तो आप कभी कभी इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। तो आज मैं उस गलती को गलती नहीं मानूंगी दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा और प्यारा प्लांट मेरे घर पर आ गया है। तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर लगाएँ। अच्छी लगी हो मेरी शेयरिंग तो सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।